वासुदेवाय। समाओ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे राम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। आजानुलंबिता भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ युगवरौ गधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। ओके हरे कृष्णा। सब लोग को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं आज। और आज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है गौड़िया वैष्णव के लिए ना, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। हमारे लिए जन्माष्टमी से भी बड़ा फेस्टिवल है आज। आज सब लोगों ने उपवास भी किया ना, कितने लोगों ने आज उपवास किया है शाम को। अभी आपको लग रहा होगा जल्दी से लेक्चर हो जाए प्रसाद भी ले ले, तो किसी किसी को चक्कर भी आता है। मुझे आ रहा था शाम को, पता नहीं फिर मैंने उधर बैठा तो फिर अपना युवराज आके लस्सी लेके आया, तो फिर पी लिया मैंने, थोड़ा सा पी लिया मैंने, अभी ठीक हूं मैं अभी तो ठीक है। आज बहुत शुभ दिन है हमारे लिए। तो हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण के बारे में सुन के आपको शायद बोर लग गया होगा ना, अरे यार हर बार कृष्ण के बारे में सुनना है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे आज हम लोग। तो आप लोगों को तो सब कुछ पता है ना, चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु जब जब इस पृथ्वी पे थे तो उनका इस पृथ्वी पे कितने साल थे, किसी को आइडिया है? 48 ईयर्स ना, 48 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 48 साल का जो उनका आयु था इस संसार में, जब धराधाम में उनका लीला चल रही थी। तो उसमें अगर आप उसको बांटेंगे दो हिस्सों में तो फिर 24 साल एक साइड हो गए और एक साइड हो गए 24 साल थे वो नवद्वीप में, नवद्वीप जो बंगाल में है ना। कितने लोग गए हो मायापुर, हाथ उठाइए प्रेम से, हाथ उठाइए। आप लोग भी गए ना, हाथ उठाओ ना आराम से, ठीक है। तो आप लोग नवद्वीप मायापुर गए हैं, तो 24 साल चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में समय बिताया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल गए। फिर अभी मैं उसके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे चैतन्य महाप्रभु के 24 साल के बाद की कहानी। 24 साल में तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कई लीलाएं की, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने सोचा कि इसके बारे में चर्चा करूं। तो 24 सालों के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 साल तो बहुत क्या उम्र है, संन्यास का उम्र थोड़ी है 24 साल, नहीं है। जब भी शादी हुआ है एकदम धर्म पत्नी है, बहुत सुंदर है, यौवन है, सब कुछ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया 24 साल में। और फिर क्या हो गया 24 साल संन्यास ले, चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े संन्यास लेने के बाद, कहां से, मायापुर से, नवद्वीप से निकल गए। और वो चल पड़े किसकी तरफ, किसकी तरफ चल पड़े, ना गलत, वृंदावन। सब लोग वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतना मंदिर मनोहर, वृंदावन रम्य स्थान चिंता मणि धाम ना मंदिर मनो। सब लोग बोलिए ना,
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर हारा गोलोकेरा प्रेमदाना हरिनाम संकीर्तना गोलोकेरा प्रेमदाना सब लोग बोलिए गोलोकेरा प्रेमदाना हरिनाम संकीर्तना बोलो केरा जोर से गोलोकेरा प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तना बोलो गोलोकेरा प्रेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सब लोग हाथ उठाइए ना हाथ उठाइए रामा सब लोग हरे हरे गोलोकेरा प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तना गोलोके प्रेमदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 सब लोग जोर से जोर से रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 सब लोग जोर से हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे गोलोकेरा प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तना गोलोकेरा सब लोग बोले सुने तो संकीर्तन गोलोकेरा प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तना गोलो रा प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे रामा 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 हरे 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 राम संकीर्तन की गोलोकेरा प्रेमदाना हरिनाम संकीर्तन की ओके तो अगर आप लोग को वृंदावन जाना है तो पासपोर्ट चाहिए आपको आपको चाहिए वीजा चाहिए आपको सब कुछ चाहिए तो फिर क्या क्या है वीजा पासपोर्ट का है क्या है हरे कृष्ण महामंत्र गोलोकेरा प्रेमदाना अगर आपको गोलोक पहुंचना है तो एक ही एक तरीका है कलयुग में क्या है वो भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया हरे कृष्ण महामंत्र तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने बोला आपको कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया अपनी पत्नी को त्याग दिया फिर वो चल पड़े वृंदावन की ओर लेकिन वृंदावन पहुंचे क्या अरे वृंदावन तो पहुंचे ही नहीं कहीं और पहुंच गए गलत गलत फ्लाइट चढ़ गए आपने बोला कहां बोला आपने जगन्नाथपुरी भी नहीं पहुंचे पहले तो वो भटक गए थे और वो पहुंचे शांतिपुर घूम 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 के फिर से वहां पहुंच गए बंगाल में शांतिपुर में वो पहुंचे अद्वैताचार्य के पास किसके पास पहुंचे अद्वैताचार्य के पास अद्वैताचार्य के पास पहुंच गए और वहां फिर से उनका भक्तों के साथ मुलाकात हो गया सारे भक्त वहां थे बंगाल में फिर से मुलाकात
और उनके उनके माता भी वहीं पे थे। माता का नाम क्या है? सची माता भी वहीं पे थी। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन की जगह पे शांतिपुर पहुंच गए और देख रहे कि सारे भक्त है, सब खुश है चैतन्य महाप्रभु को देख के, माँ भी खुश है। और माँ ने बोला, तुम वृंदावन जाना चाहते हो? नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हें कहां जाना है? तुम्हें जाना है जगन्नाथपुरी। माँ का आदेश आ गया कि तुम्हें वृंदावन कैंसल ट्रिप, क्योंकि अगर तुम वृंदावन चले गए तो फिर क्या होगा, माँ को बहुत दूर हो जाएगा ना, मैं वृंदावन नहीं आ सकती तुमसे मिलने, तो तुम यहां पे जगन्नाथपुरी के पास रहना, हम लोग आएंगे हर साल तुम्हें मिलने। अरे ये क्या है, सन्यासी को माँ ने रोक लिया। सन्यासी तो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, सन्यासी तो अपने काम से मतलब है, भगवान का प्रचार, वृंदावन जाना ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता है? क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, क्या किया तो? माँ का बात मान लिया, बोला कि मैं सन्यासी हूं, साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु। फिर भी उन्होंने अपने माँ का वचन को ठुकराया नहीं, बोला माँ आपने बोला चलो ठीक है फाइनल, मैं अब जा रहा हूं कहां पे, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु वहां से पहुंच गए और जगन्नाथ मंदिर के सामने सिंह द्वार पे खड़े हो गए और किनका दर्शन हो गया, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु मे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को देखा तो चैतन्य महाप्रभु का चेतना उड़ गया, अचेतन हो गए, चैतन्य से भरे हुए चैतन्य महाप्रभु अचेतन। अचेतन का मतलब क्या है? अनकॉन्शियस, क्या बोलते हिंदी में सरल भाषा में, अरे एकदम बेहोश, मूर्छित भी नहीं, बेहोश हो गए, वहां बेहोश हो गए। और फिर उतने में क्या हुआ पता है, उधर सारे लोग वहां पे जो चौकीदार थे अपने लाठी लेके चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए, ये कौन सन्यासी है ऐसे ड्रामा कर रहा है यहां पे आके, ये शायद तो ही तांत्रिक है, इसको मारो। चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए वहां मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड रहते ना लाठी लेके आ गए और चैतन्य महाप्रभु को मारना चाहते थे। उतने में वहां आप कौन पहुंचे, कौन पहुंचा, सार्वभौम भट्टाचार्य, एकदम बड़े पंडित विद्वान, बहुत ज्ञानी, नाम बहुत नाम है जगन्नाथपुरी में। वो पहुंच के देखते हैं कि ये तो एक सन्यासी है और इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई नौटंकी नहीं है, ये कोई कपटी नहीं है, ना ही ये तांत्रिक है, ये तो अच्छे सन्यासी वैष्णव धगरे, और ये प्रेम के आवेश में मूर्छित हो गए। तो उन्होंने बोला सब हट जाओ यहां से, इनको मैं अपने घर लेके जा रहा हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, एकदम प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को सबको बोला कि चलो इनको उठा के मेरे घर लेके जाओ, बड़ी अच्छी बात है ना। तो फिर क्या हुआ, अपने घर लेके जाके चैतन्य महाप्रभु को वहां पे उन्होंने अपने घर पे रखा। और उनके उनके साले का नाम क्या था सार्वभौम भट्टाचार्य का, उनका एक साला है वो लोद्वीप से है, सार्वभौम भट्टाचार्य। हालांकि बहुत बड़े विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन भक्त नहीं है वो भक्त नहीं है। उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये कोई सन्यासी है, ठीक है अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, तो घर लेके गया। उधर उन्होंने अपने साले को, साला वहां पे आ गया, उनका नाम है गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्योंकि वो भी नवद्वीप से थे, ठीक है ना। चैतन्य गोपीनाथ आचार्य कहां से थे, नवद्वीप से थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्यादा पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो वहां पे थे। तो गोपीनाथ आचार्य वहां आ गए और गोपीनाथ आचार्य ने देखा कि ये तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु है। और ये कौन है, साक्षात कृष्ण है, भक्त को पता है, भगवान का लक्षण से पता चल जाता है। तो उतने में वो चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भी पता चले कि ये भगवान है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है, इतने बड़े विद्वान है लेकिन वो साधारण दृष्टि से उनको पता नहीं चल रहा कि भगवान। लेकिन ये जो गोपीनाथ आचार्य, उनको पूर्ण रूप से पता चल गया कि ये कौन है, भगवान है, कृष्ण है। तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने सोचा कि अब मैं सबको बताऊंगा कि ये भगवान है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मानने के लिए तैयार नहीं, ये भगवान है, कौन सी दृष्टि से भी भगवान नहीं दिख रहे हैं, ये तो एक साधारण सन्यासी लग रहे हैं। तो इनको गुस्सा आ गया, भगवान को पकड़ के तुम साधारण सन्यासी बोलते हो, इतने बड़े विद्वान हो तुम, इतने बड़े पंडित हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये भगवान है। उतने में सार्वभौम भट्टाचार्य तो अच्छे व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि वो बुरे हैं, अच्छे व्यक्ति, लेकिन उनको दृष्टि नहीं है, वो भक्त की दृष्टि अलग है ना। हम लोग जब मंदिर आते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है, एकदम पता है हमें कृष्ण भगवान है, तो हमारी जो श्रद्धा
और हमारी सेवा भावना से भगवान क्या करते हैं, हमें अच्छी दृष्टि देते हैं, हमें भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन एक नास्तिक को लेके मंदिर के सामने, वो बोले ये क्या पत्थर को रख के आप, फोटो रख के आप कुछ कर रहे हो। देखो एक ही चीज है, अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखने से अलग अलग। तो सारव भट्टाचार्य मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो गोपीनाथ आचार्य को बहुत गुस्सा आ गया और उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगे। उतने में सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बात बोला, मैं वो पढ़ने वाला हूं अभी। क्या बोला सार्वभौम भट्टाचार्य ने, उन्होंने बोला ओके 93 ओके, ये श्लोक आप ध्यान से सुनना, जो अभी मैं चर्चा करने वाला हूं ये है सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में जो संवाद, जो चर्चा चलेगी वो आज का विषय है आपके लिए। पहले ही बता रहा हूं आपको, ये जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना आपके जीवन में, मेरे जीवन में। तो क्या पहली बार गोपीनाथ आचार्य प्रभु के जो गुस्से से जब बात किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी हरोष, शास्त्र दृष्टि कही किचु ना लाई है दोष। तुमको क्यों इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझ पर? ठीक है मैं पंडित हूं, आप भक्त हो, गुस्सा क्यों आ रहा है मुझ पर? इष्ट गोष्ठी में तो आपसे एक चर्चा कर रहा हूं, मुझे पता नहीं ये भगवान है या नहीं, आप चर्चा करते हैं क्या बात है? ठीक है और ना कर रहे रोष, क्यों गुस्सा आ रहा है, रोष में क्यों आ रहे हो? शास्त्र दृष्टि के, मैं शास्त्रों की दृष्टि से बात कर रहा हूं तुम्हें, शास्त्रों की दृष्टि से। किचू ना लाई है दोष, दोष मत ढूंढो, मैं शास्त्रों से बात करूंगा, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मुझे भी पता है, मैं शास्त्रों की दृष्टि से बात कर, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है गोपीनाथ आचार्य? क्योंकि गोपीनाथ आचार्य प्रभु थोड़ा सा बह गए थे, अरे ये क्या है, भगवान कोई मानता नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, और यहां बोले महाभागवत है चैतन्य गोसान एक अलिकाले विष्णु अवतार नाई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, देखो आप बोलते हो कि ये भगवान है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि शास्त्रों में निर्देश यह है कि कलयुग में कोई अवतार नहीं है, कलयुग में कोई अवतार नहीं हो सकता, मैं शास्त्रों से बात कर रहा हूं। हां हो सकते हैं ये महाभागवत है चैतन्य गोसान, हां हम लोग मानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु महाभागवत है, वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन हम मानेंगे नहीं वो भगवान है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पे भी कलयुग में कोई अवतार का लेख नहीं है। अब बताओ सही पॉइंट है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सार्वभौम भट्ट, वो शास्त्रों से बात कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो विष्णु अवतार लेते हैं तो सिर्फ तीन युगों में ही अवतार लेते हैं, तीन युगों में, चौथा युग में अवतार ही नहीं है विष्णु का, कभी सुना है आपने किसी ने? इसलिए विष्णु का एक नाम है, क्या नाम है? त्रियुगी विष्णु बोलते हैं, त्रियुगी, तीन युगों में ही आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसके बाद के श्लोक में ऐसे लिखा है, अतएव त्रियुगा करी कही विष्णु नामा कलियुगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञाना। शास्त्रों में ज्ञान हमें मिलता है कि विष्णु जब अवतार लेते हैं वो तीन बार ही लेते हैं, कलियुग में कोई अवतार नहीं, इसलिए ये कोई भगवान नहीं है, हम लोग शास्त्रों से बोल रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य आप क्या, सही है ना पॉइंट, तो सही है, त्रियुगी इसलिए, त्रियुगी सही है। आप उत्तराखंड में जाओगे ना, एक मंदिर है, कभी किसी ने देखा है? उत्तराखंड में एक मंदिर है, त्रियुगी नारायण है उनका मंदिर का नाम है, मुझे पता नहीं कहां पे, मैंने सुना है, लेकिन तो एक विष्णु का नाम है त्रियुगी विष्णु। तो आप पूछोगे अभी मुझे, प्रभु ये क्या बात है, प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में आए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु साधारण अवतार नहीं है, साधारण अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया जाता है कि किसने किया भागवत में, प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु कौन सा अवतार है, उनका एक स्पेसिफिक नाम है छन्न अवतार। छन्न अवतार का मतलब है अब भगवान अवतार लेते हैं लेकिन अपने भगवत्ता को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। क्यों छुपा देते हैं, क्यों कलयुग में छुपाते हैं भगवान अपने आप को? क्योंकि हर अलग अलग युगों में भगवान दिखाते हैं, अपनी भगवत्ता को भी दिखाते हैं, लेकिन कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो अपनी भगवत्ता, अपनी शक्ति को छुपाते हैं, इसलिए उनको बोला है छन्न अवतार। हमारे चैतन्य महाप्रभु कौन है? सब लोग जोर से बोलो, छन्न अवतार। वो भगवान होते हुए भी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अलग है ना, ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ये गुह्य ज्ञान है, इसलिए
एक देवी है ये, इसने सबको समझ में नहीं, बड़े बड़े विद्वान पंडित जो यहां सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी गोपीनाथ आचार्य सोच में पड़ गए कि अब क्या बोलूं इनको। तो फिर यहां पे अभी मैं और एक श्लोक पढ़ता हूं, इसमें आपको समझ में आएगा। ओके तो इसके जवाब में अभी गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं इस श्लोक में, भागवत भारत दुई शास्त्रेर प्रधान से दुई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। फिर से बोलता हूं, भागवत भारत दुई शास्त्रेर प्रधान, कौन से दो ग्रंथ की बात कर रहे हैं यहां पे? भागवत और भारत। भागवत का मतलब श्रीमद् भागवतम और भारत का मतलब महाभारत। सो भागवत भारत दुई दो शास्त्रेर प्रधान से दुई ग्रंथ वाक्य नहीं है। तुम्हें पता नहीं महाभारत कभी पढ़ा नहीं क्या तुमने? सार्वभौम भट्टाचार्य को उल्टा जवाब दे रहे हैं, तुमने कभी महाभारत ठीक से पढ़ा नहीं लग रहा है, तुमने कभी भागवत पढ़ा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम ये बातें कर रहे, भय की बातें कर रहे। तुम बोलते शास्त्र पता है, तुम महाभारत तुमने पढ़ा ही नहीं ना। क्योंकि अब हमें समझना है, अगर आप लोग सब घोड़िया वैष्णव है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कहां पे प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो यह हमें याद रखना है, आपको खुद को याद रखना है, जब समय आए तो किसी को बोलना भी पड़ेगा। तो यहां पे दो शास्त्रों का उल्लेख है, एक है महाभारत और एक है भागवतम। तो ये दोनों के बारे में अभी बताऊंगा मैं। तो महाभारत में सार्वभौम भट्टाचार्य सॉरी गोपीनाथ आचार्य एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, किसी को पता है महाभारत में कहां पे है? चैतन्य महाप्रभु का नाम के साथ है। किसी को पता है? किसी ने सुना है? मैं पढ़ूंगा अभी। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शंतो निष्ठ शांति परायणः। ये भीष्म देव ने जो विष्णु सहस्र नाम में चैतन्य महाप्रभु का लेखन आ रहा है, कहां पे? महाभारत में चैतन्य महाप्रभु का जो रेफरेंस पॉइंट कहां पे है? विष्णु सहस्र नाम। किसने दिया विष्णु सहस्र नाम? भीष्म पितामह ने। वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, ये हमें याद रखना है। महाभारत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, क्या है? सुवर्ण वर्ण हे मांगो उनका। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अंग की कांति कौन सा वर्ण की है? सुवर्ण, सोने की तरह। देखो इतना सुंदर है कि आज क्या है? पूर्णिमा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब पूर्णिमा के दिन होता है तो एक अलग चीज भी होता है उसके साथ। पूर्णिमा किसे क्या होता है? चंद्र को ग्रहण लग जाता है। पूर्णिमा है और चंद्र को ग्रहण कैसे लग गया भाई? इतनी सुंदर चंद्रमा, अभी चंद्र ग्रहण है क्या? सुबह था चंद्र ग्रहण, आज हर समय होता है, चंद्र ग्रहण सुबह था, अमेरिका में रात को हो गया था, लेकिन हमें इस बार दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग इसलिए सूतक भी नहीं था आज। नहीं, जनरली क्या होता है पता है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक भी मनाते हैं हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदर उनका जो देह की सुंदरता इतना सुंदर है कि चंद्रमा ने अपने आप को क्या कर लिया? ढक लिया और उसने अपने आप को ग्रहण लगा लिया, उतनी सुंदरता चैतन्य महाप्रभु की। तो मैं क्या बोल रहा था, महाभारत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदना, और चंदन की तरह है उनका जो शरीर का अंग की कांति। चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर क्या, और एक लक्षण बता रहे हैं महाभारत में कि वो उन्होंने संन्यास लिया है। एक व्यक्ति ऐसे उपस्थित होंगे इस धरती पे जिनका वर्ण सुवर्ण वर्ण रहेगा, बहुत बहुत अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण रहेंगे, और उनका जो शरीर है चंदन की तरह रहेगा, और वो संन्यास लेंगे। कौन है ये बताओ, कौन है? तो चैतन्य महा अपने गोपीनाथ आचार्य प्रभु ने पूछा, बताओ कौन है ये व्यक्ति? कोई ऐसे अवतार है जिन्होंने संन्यास लिया? एक ही व्यक्ति है चैतन्य महाप्रभु जो आपके सामने, आपको नहीं दिख रहा है, देखो। तो एक हो गया महाभारत का उल्लेख, तो आपको याद रखना है कहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन? महाभारत में है। अगर किसी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो प्रमाण बताओ, तो आपको बताना है महाभारत में भीष्म ने ये विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेखन किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है, और कौन से पुस्तक में? सबसे इंपॉर्टेंट ये दो ही चीजें हैं, महाभागवत पुराण में। भागवत पुराण क्या इतना प्रसिद्ध बुक है, पुस्तक है क्या? इसको हम लोग प्रामाणिक माने? यहां
निगम कल्प तरोर्गलितम सुखम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतर समालयम मुहर हो रसुका भुवि भावु कहा। भागवत जो है कोई साधारण पुस्तक नहीं है। अगर हम प्रमाण ले रहे हैं भागवत से, भागवत है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अगर आपको किसी ने पूछा भागवत कौन सा इतना फेमस बुक है, आप बोलना है सारे शास्त्र अगर पेड़ है, एक एक पेड़ बना दो शास्त्रों का, वेद उपनिषद सारे पुस्तकों का एक पेड़ बनाओ, तो वो पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या होता है, फल होता है ना। तो वो पेड़ को अगर फल कोई आ गया और वो फल बहुत मीठा है तो वो है भागवतम। तो सारे शास्त्रों अगर पेड़ है तो उसका मीठा फल क्या है, क्या है, श्रीमद् भागवतम। और उस श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। कोई बता सकता है श्लोक कौन सा है पूरा पहले से, कोई बता सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या श्लोक है, कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम, सब लोग बोले कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसः। कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसः। एक बार और सब लोग जोर से, कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम। ठीक से सुनना, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति सुमेधसः, यजन्ति सुमेधसः। ऐसे सीखते हैं संस्कृत बिना, बच्चे जब गुरुकुल में रहते हैं ना तो श्लोक पर सीखने का तरीका भी यही है, एक लाइन को लो तीन चार बार रिपीट करते रहो, फिर दूसरे लाइन में जाओ, फिर तीन चार बार ऐसे ऐसे करते हो ना, कोई भी संस्कृत सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहां पे है, कहां श्रीमद् भागवतम में है। और यहां पे जो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णावर्णम त्विषा कृष्णम, पहला शब्द क्या है ये श्लोक में, कृष्णा, क्या है, कृष्णा। अगर आपको किसी ने पूछा कृष्णा का मतलब बताओ, बताओ कौन क्या मतलब है, कृष्णा का मतलब क्या है, सर्व आकर्षणीय, हर किसी को आकर्षित करते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि बहुत सुंदर है, हर कोई उनकी सुंदरता से आकर्षित है, बहुत अच्छे गुण है, गुणों से आकर्षित है, शक्तिमान है। कितने अलग अलग तरीके से भगवान आकर्षित करते हैं, चोरों को आकर्षित करते हैं, भक्तों को आकर्षित करते हैं, ज्ञानियों को, योगियों को, तपस्वियों को, सब लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो एक मीनिंग है कृष्णा, लेकिन यहां पे मीनिंग कुछ अलग है, और एक मीनिंग है कृष्णा का मतलब है, क्या मीनिंग हो सकता है, सर्व आकर्षणीय तो ठीक है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट, और एक मीनिंग है कृष्णा का मतलब क्या है, कोई गेस कर सकता है, कृष्णा हम लोग बुलाते काला कृष्णा काला, कृष्ण का मतलब श्याम, काला देखो अंधेरा है वो भी काला है कृष्णा का मतलब है काला, तो उसका ऑपोजिट क्या है, उसका ऑपोजिट क्या है, काला गौरा काला गौरा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हम नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं गौर पक्ष बोलते हैं, वो बाहर वाले, हम लोग गौड़िया वैष्णव क्या बोलेंगे, शुक्ल कृष्ण पक्ष और गौर पक्ष। तो कृष्णा का और एक मतलब क्या है, काला। तो कृष्ण का कृष्णा वर्णम, काला वर्ण के कृष्ण है, इसका मतलब पहला लाइन क्या वर्ण है, काले काले कृष्ण है त्विषा कृष्णम। लेकिन ये तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो श्लोक है ना, तो कृष्णा वर्णम, कृष्ण तो काले है, त्विषा कृष्णम, त्विषा का मतलब है चैतन्य महाप्रभु की जो शरीर की कांति है वो कृष्ण नहीं है, काला नहीं है, आकृष्णम है। कृष्ण का मतलब काला, आकृष्णम का मतलब गोरा, क्योंकि कृष्णा आकृष्णा ऑपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में, गुड बैड, ब्यूटिफुल अगली, ऐसे कृष्णा ब्लैक और आकृष्णा का मतलब
गोल्डन, ब्यूटिफुल गोल्डन, या जैसे कि बहुत सुंदर गोल्डन कलर, ठीक है ना। तो कृष्णावर्णम त्रिषा कृष्णम, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु काले नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कैसे है? एकदम गोरे गोरे। तो एक दिन क्या हुआ, जब जब आप लोगों को सीता 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 देवी के बारे में पता है, सीता महारानी, सीता देवी कौन है? सीता देवी कौन है? भगवान श्री राम की धर्मपत्नी, ठीक है ना। लेकिन गौर लीला में सीता ठाकुरानी है, वो कौन है पता है आपको? सीता ठाकुरानी है अद्वैत आचार्य की पत्नी है। वो लोग रहते थे यहां पे शांतिपुर में, उनका घर था। तो मैं थोड़ा सा आपको कृष्णावर्णम त्रिषा कृष्णम, तो अद्वैत आचार्य प्रभु की धर्मपत्नी का नाम सीता ठाकुरानी है। तो वो शांतिपुर में रहते थे और उनका एक घर था, नवद्वीप में भी था घर। तो जब उनको पता चला कि सची माता ने अपने दूसरे पुत्र का जन्म दिया, तो सीता ठाकुरानी वहां पे पहुंच गई। किसके घर पे? सची माता के घर पे पहुंच गई और उन्होंने देखा प्रसून घर में, जाके देखा कि झूले में कोई छोटा सा नन्ना शिशु है। उसको देखते ही सीता ठाकुरानी ने सोचा ये तो भगवान कृष्ण है। कौन है ये? देखते ही पहचान गई कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण की तरह ही दिखते, लेकिन ये कृष्ण नहीं है। एक तरह से किस तरह से कृष्ण नहीं है? एक हर तरफ से कृष्ण है, रूप तो कृष्ण जैसा है, लेकिन एक चीज में अलग है कृष्ण से। कौन सी चीज में? गोरे। ये क्या है, काले कृष्ण गोरे कैसे बन गए? सारी चीजें कृष्ण की तरह है, लेकिन ये गोरापन कहां से? तप्त कांचना गौरांगी राधे। तो कौन पैदा, किनका जन्म हुआ यहां पे? किनका जन्म हुआ? तप्त कांचन गौरांगी राधा भाव जिति सुवलितम नौम कृष्ण स्वरूपम। तो यहां पे क्या हो गया पता है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया ना, तो कृष्ण ने जन्म लिया लेकिन अपना कलर को छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या कलर ले लिया? राधा भाव द्युति। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं कृष्ण ही है। उन्होंने एक ही एक चीज को अलग कर दिया अपने से, अपने रंग को हटाया और उन्होंने किसका रंग ले लिया? राधा भाव द्युति। भाव का मतलब है राधा रानी की जो भावनाएं है ना कृष्ण के प्रति, प्रेम की भावना, उसको ले लिया और रंग भी ले लिया, द्युति क्यों भी ले लिया। तो कृष्ण कलयुग में किस तरह आए? कृष्ण ने अपना पूरा रूप एक ही एक समान रखा और उन्होंने अपना रंग को बदल दिया रंग को बदल दिया और उन्होंने अपने अंदर की जो भावनाएं को भी बदल दिया। तो फिर राधा तो ठाकुरा सीता ठाकुरानी ने देखा तो ये तो कृष्ण है। तो आपको क्या समझना है, ये जो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं है, राधा कृष्णा मिलित अवतार, राधा कृष्णा एक बन गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बन गए। ये श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानौ अपि भुवि देहो भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वयम् चाक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्रीमती राधा रानी कोई नहीं है, वो कृष्ण की शक्ति है जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। जब कृष्ण ने चाहा कि कोई मुझे आनंद दे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को निकाला बाहर और उसको एक रूप दिया। शक्ति को बाहर निकाल के उसको रूप दिया, तो कौन बन गए? वो राधा रानी बन गई। तो राधा रानी, राधा कृष्ण एक ही है। वो कृष्ण ने चाहा कि वो अलग हो और राधा उनको सेवा करे, उनको प्रेम करे, तो उन्होंने ये चाहा। तो चाह, हम लोग चाहते तो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कृष्ण चाहते तो कुछ भी हो सकता है, अपनी शक्ति को रूप प्रदान कर सकते हैं। तो राधा रानी वो एक प्रेम का एक रूप है, आपको कभी भी समझना है। इसलिए कभी भी राधा कृष्ण कभी भी साथ में रहते हैं, कभी आपने देखा राधा कृष्ण को अलग अलग? असंभव, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान कभी भी साथ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ तो साथ में रहते हैं ना। तो इस तरह से तो राधा भाव द्युति सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है वो राधा और कृष्ण है
लेकिन उनका जो शरीर की कांति है सोने की तरह है, तप्त कांचना गौरांगी, चैतन्य महाप्रभु की जो कांति है राधा रानी की तरह है, और उनकी भावनाएं भी किस तरह है राधा रानी। देखो चैतन्य महाप्रभु कितने अद्भुत व्यक्ति है, देखो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने एक अद्भुत रूप लिया है, अद्भुत रूप लिया है, और इसलिए क्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, चैतन्य चरितामृत जो पुस्तक है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत आपने नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा जो संप्रदाय, जो गौड़िया संप्रदाय है ना, गौड़िया संप्रदाय में राधा कृष्ण के बीच में जो संबंध है, जो प्रेम का आस्वादन चल रहा है ना, उसको समझने के लिए आपको चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। आपको भगवद गीता भी समझ में नहीं आएगा, आप अगर सिर्फ भगवद गीता पढ़ते रहेंगे ना कभी समझ में नहीं आएगा राधा कृष्ण के बीच में जो संबंध है, या जो 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 जीवन का सर्वोत्तम प्रेम का सर्वोत्तम स्थिति क्या है, प्रेम का सर्वोत्तम स्थिति क्या है। हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है ना, कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, हाथ उठा, कृष्ण का प्रेम। लेकिन कृष्ण के प्रेम में भी सर्वोत्तम स्थिति क्या है, क्या है, विरह की भावना। राधा रानी जो जब जब वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं ना कृष्ण, तो जो उनके मन में भावनाएं आती है ना कृष्ण के प्रति, क्योंकि जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन जब बिछड़ते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है अंदर से। प्रेम सबसे ज्यादा प्रेम हमें जब लगता है जब किसी से हम लोग बिछड़ जाते हैं। देख लो आप अपने जीवन में भी, किसी के साथ रहो तो आप थोड़े दिन के बाद लड़ाई करते रहोगे थोड़ा दूर जाते फिर प्रेम प्रकट होते रहेगा, अरे यार कितना दूर चला गया। तो उसी तरह जो सर्वोत्तम प्रेम का जो स्थिति है जो राधा रानी अनुभव कर रही है ना, वो जब भी होता है जब कृष्ण दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, वो सबसे सर्वोत्तम स्थिति। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कहां पे थे हम लोग, तो राधा रानी का जो रूप, सॉरी राधा रानी का जो अंग की कांति चैतन्य महाप्रभु ने लिया, कृष्ण ने लिया, और उनकी भावनाएं लिए, ठीक है। ओके, तो कृष्णावरणम त्विषा कृष्णम, फिर से मैं वही श्लोक में आ रहा हूं, कृष्णावरणम त्विषा कृष्णम। तो ये जो गोपीनाथ आचार्य प्रमाण दे रहे हैं, बोल रहे कि भागवतम में लिखा है कि कृष्णावरणम, कृष्ण ही है जो काले थे अभी गोरे बन गए हैं, चैतन्य महाप्रभु है उनका नाम। और उसके बाद क्या है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र। अब चैतन्य महाप्रभु कैसे आए हैं, ठीक है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरह आए, लेकिन सारे लोगों को अपने पार्षदों को लेके आए हैं। जैसे कि कृष्ण लीला में कितने सारे भक्त हैं ना कृष्ण के साथ, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे लोग आए हैं इस धराधाम में लीला करने के लिए। और उसके बाद यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता है, कृष्ण इस संसार में आए हैं और कृष्ण यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, उन्होंने अपना अस्त्र भी साथ में लेके आया। कौन सा अस्त्र लेके आया, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, कौन सा यज्ञ है, सब लोग बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने साथ अस्त्र लेके आए, वो है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन। का मतलब क्या है, लेकिन संकीर्तन इसका मतलब है कि संग में जब हम लोग साथ में भगवान की कीर्ति को घोषणा करते हैं सबके सामने, हाथ उठा के हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, तो उसको बोलता है बोला जाता है संकीर्तन। बहुबीर मिलित्वा कीर्तनम तदेव संकीर्तनम, बहुबीर मिलित्वा कीर्तनम, हम लोग सारे लोग जो बहु है, एक नहीं है हम लोग, बहु सारे लोग मिलके जब एक जगह एकत्रित होते हैं और भगवान का कीर्तन गाते हैं तो उसको बोला जाता है संकीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन संकीर्तन, कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन आप जप करना कीर्तन हो गया, आप भगवान के बारे में सोच रहे तो उसको क्या बोला जाता है, वो कीर्तन है क्या, भगवान के बारे में आप सोच रहे हो कहीं एक जगह पे बैठ के आप सोच रहे हो भगवान के बारे में, ये क्या है, क्या कर रहे हो, ये संकीर्तन है, कीर्तन है, कीर्तन। हमने अपना मन को भगवान को अर्पण किया है, किसी के बारे में सोचना
कोई साधारण चीज नहीं। आप किसी के बारे में सोचो, अनलेस आपको उनसे प्रेम हो या उनके प्रति आपके मन में भावना है, तो किसी के बारे में क्यों सोचे? तो आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? उनके बारे में कीर्तन चल रहा है आपके मन में। कीर्तन का मतलब यही नहीं कि हम लोग जप कर रहे हैं या कुछ एक दूसरे से कुछ लेक्चर चल रहा है, आप कहीं बैठ के भगवान का स्मरण कर रहे, वो भी कीर्तन ही है। कीर्तन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चीज है ये, समझना है कि। तो अगर आप बैठ के भागवतम पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कीर्तन कर रहे हो। तो बहुबेर मिलित्वा कीर्तनम तद एव संकीर्तन सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सा। सबसे बड़ा अगर यज्ञ है, यहां पे लिखा है यज्ञ संकीर्तन प्रायर। हम लोग यज्ञ के बारे में पता है ना, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ सुना आपने कभी ना? यज्ञ में क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? एक बड़ा सा एक कुंड बनाते हैं, फिर चारों तरफ ब्राह्मण बैठेंगे, फिर अपने अब जो स्पून्स रहते हैं उसमें से क्या डालते हैं अंदर? आहुति डालते हैं। क्या करते हैं? घी डालते हैं, अनाज डालते हैं, गुड़ डालते हैं, सारे चीजों को। लेकिन संकीर्तन में हम लोग क्या डालते हैं? क्योंकि ये जो संकीर्तन है सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ हो ही नहीं, संपूर्ण यज्ञ है। ये जो आग में डालना ठीक है भाई, लेकिन कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ। लेकिन इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? इसमें क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं बताओ? क्या डाल रहे हैं? सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम लोग क्या डाल रहे हैं पता है? सर्वात्म, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इसलिए आप जब शिक्षाष्टक में पढ़ते हो तो यहां आता है लक्ष्य, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण। आप लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो या भगवान का कीर्तन करते हो, संकीर्तन करते हो, तो आप क्या कर रहे हो पता? सबसे बड़ी चीज, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में डाल रहे हो। करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? आपको लगता नहीं ना, आप नहीं कर रहे हो ना? कोई नहीं कर रहा, आपको नहीं लग रहा ऐसा, लेकिन वो उसका मतलब है। इसलिए हम लोग क्या गाते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोले, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदाव कृपया तव पाद पंकज। देखो फिर से वही पॉइंट पर, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। क्या गा रहे हैं पता चैतन्य महाप्रभु? अई नंद तनुज किंकरम, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं पतित हूं, मैं संसार में क्या हो रहा आपके साथ? संसार में डूब रहे हैं हम लोग, इस संसार के भवसागर में कष्टों में डूब रहे हैं, दुखों से लड़ रहे हैं, पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमें दुख है, हमें कभी भी तकलीफ है, पता नहीं चल रहा क्या करे। तो हमें गाना है अरे नंद तनु जकिन, जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें मन में भावना ये लेके आना, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं संसार में डूब रहा हूं, पतिताम माम विषमे भव, कृपया कृपा करो मुझ पे, कृपया तव पाद पंकज, मुझे आपके चरणों की धूल बनाओ। देखो ये है भावना, संकीर्तन की भावना। ये जो यज्ञ करते हैं ना, वो भावना नहीं है, ये सबसे बड़ी भावना है। तो आप ना जप करने के टाइम में या कीर्तन करने के टाइम में हम लोग ना ये भूल जाते हैं क्या भावना लेके आना है। चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया है अपने जीवन में। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे नहीं ना, तो आपका कीर्तन कैसे रहेगा पता है? जैसे कि तोता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तोता भी बोल सकता है ना। भावना कहां है? कहां दिखा रहे हो कि मैं भटक गया हूं, मुझे कोई बचाओ, कौन बचा सकता है आपको बताओ? अरे नंद तनुज किंकरम, मैं आपका दास हूं, मैं जन्मों जन्मांतर तक मैं आपको भुला के अब मुझे ये अवसर मिला है, मैं आपका नाम लेके मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया तव पादकम पंकजा, आपके जो पद्म कमल है ना उनमें क्या करना है आपको? मुझे क्या बनाना है? एक धूल बना दो। सदृशम विचिंतया, तो ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संकीर्तन की शक्ति है, ये भगवान को अट्रैक्ट करता है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो चैतन्य में तो कहां पे थे हम लोग? तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कौन है? गोपीनाथाचार्य प्रभु। फिर से मैं पॉइंट वही लगे, गोपीनाथाचार्य प्रभु प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं किनको? सार्वभौम भट्टाचार्य। पहले तो महाभारत के बारे में बता दिया, हमें समझ में आ गया, अभी बता रहे हैं कृष्णा। तो कहा कृष्णावरणम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यजन्ति ही सुमेधसः। तो कलयुग में
अगर कोई संकीर्तन का आश्रय लेता है वो बुद्धिमान है। सार्वभौम भट्टाचार्य इसमें नहीं है, गोपीनाथ आचार्य प्रभु ये कर रहे हैं, भक्त करते हैं, भगवान का नाम कितना आसान है। देखो हमारे मुंह है, हम लोग बस वो भावना लेके आना है, सबसे इंपॉर्टेंट। वो भावना नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, संकीर्तन भी काम नहीं करेगा। तो अभी क्या हो गया, ठीक है, सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रमाण भी मिल गया, और लेकिन फिर गोपीनाथ आचार्य प्रभु ने एक बात कही फिर से भागवत में, उन्होंने कहा अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानादि तत्त्वं भगवान महिमना न चान्ये कोऽपि चरं विचिन्वान्। तो गोपीनाथ आचार्य प्रभु ने बोला सार्वभौम भट्टाचार्य तुम बहुत बड़े पंडित हो, तुमको सब पता है, शास्त्रों पर रट मारा है तुमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं मिली है, तुम्हारे पास एक चीज नहीं है जिसके कारण तुम्हें साक्षात भगवान सामने होते हुए भी दिख नहीं रहे। क्या वो चीज नहीं मिली है तुम्हें? अथापि ते देवा पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेसानुग्रहिता ए वही प्रसाद नहीं मिला आपको। कौन सा प्रसाद? खाने का प्रसाद। प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अगर प्रसाद का मतलब कृपा। आपने कितना भी प्रयास कर दिया, कितना भी आपने शास्त्र रट लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन अगर आपके ऊपर भगवान की एक लेश मात्र एक कण मात्र कृपा नहीं पड़ेगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने पूरा 10 बार 100 बार 1000 बार शास्त्रों को रट मारने के बाद भी आपको कुछ, जैसे कि ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, उनको वो कृपा अभी तक नहीं मिला। आप सारे लोग यहां पे बैठे हैं, श्रद्धा है आपके अंदर? है? कितने लोगों में श्रद्धा है? हाथ उठाओ। श्रद्धा है ना, थोड़ा सा श्रद्धा है आपके अंदर, सेवा भावना है? हाथ उठाओ। बस अगर ये दोनों चीजें आप में है, थोड़ी सी श्रद्धा, भगवत गीता पढ़ने से पहले भी हमें क्या लेके आना, हाँ भगवान मुझे पता नहीं आप भगवान हो या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आप भगवान हो, फिर भगवान भगवत गीता खोलो और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, खोलो। फिर भगवान क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे आपके अंदर, ये जो डिपार्टमेंट है ना, ऊपर का डिपार्टमेंट, वो खुल जाता है। अब ये डिपार्टमेंट बंद है, अंदर से आपको आवाज आएगी, हाँ मैं यहां हूं मैं यहां हूं, भगवत गीता पढ़ो और दिखूंगा मैं। तो हमें श्रद्धा लेके आना है, श्रद्धा और सेवा की भावना आते ही फिर क्या होगा, भगवान हमें हर जगह पे अनुभव हो जाएंगे। जब तक अनुभव नहीं होंगे, जैसे कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य कितना पढ़ लिया, अच्छे व्यक्ति है, वो तपस्या किया है उन्होंने, पुस्तक पढ़ लिए, वेद रट लिए, सब कर लिया, लेकिन थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो हमें क्या करना है, तो इसीलिए तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रमाण दिया। किसने प्रमाण दिया? गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रमाण दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई गेस कर सकता है? अब क्या हुआ, पूरा स्टोरी हो गया और बता भी दिया कि तुम्हारे पास कृपा नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन नहीं दिख रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु उठ गए और उठ के सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहीं पे है, नित्यानंद प्रभु वहां पहुंच गए थे, नित्यानंद प्रभु, गोविंदा, मुकुंदा, सारे भक्त आ गए और उन्होंने कीर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु अचेतन थे, अभी क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु उठ गए, भगवान उठ गए। अब देखो क्लाइमैक्स में पहुंच रहे हम लोग और देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, सारे लोग खड़े हैं। तो एक जगह पे सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य सब लोग है और सार्वभौम भट्टाचार्य भी खड़े हैं। पता नहीं क्या करूं अब, मैं समझ में नहीं आ रहा, इतना प्रमाण भी मिल गया मुझे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, कुछ समझ में नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप क्या है, ये इतने छोटी उम्र में आपने संन्यास क्यों लिया, आप तो अभी ये उम्र नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, भगवान को बोल, इतना सुनने के बाद उल्टा बोले कि तुम संन्यास क्यों लिया तुमने इतने छोटी उम्र में, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी, तुम क्यों तुमने संन्यास लिया, तुम कदाचित फिर से शादी करने वाले हो। भगवान को बोल रहे चैतन्य महाप्रभु ने, ये क्या मेरे को बोल रहे हैं, मैं फिर से शादी करूंगा। तो फिर क्या हुआ पता है, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला तुमने शास्त्र पढ़े हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान को पूछ रहे, कौन पूछ रहे, सार्वभौम, इतना सुनने के बाद तुम
मैं तुम्हें शास्त्र पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाएंगे? भगवान को कौन शास्त्र पढ़ाएगा? सार्वभौम भट्टाचार्य, एक विद्वान, एक पंडित, एक तो उन्होंने बड़ा, चलो कल से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, हाँ 7 दिन का क्रैश कोर्स करूंगा, 7 दिन में तुम्हें सब वेदांत पढ़ा दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है भाई मैं सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं सुनने के लिए। और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की क्या पढ़ाया? वेदांत। और चैतन्य महाप्रभु बैठे रहे सुन रहे ये सुना रहे। 7 दिन के बाद क्या हो गया, कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं, आपने जो बोला ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ घुसता ही नहीं है अंदर। फिर उन्होंने उल्टा पढ़ाया, चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा उनको पढ़ाते ही उनके आश्चर्यचकित हो गए। चैतन्य महाप्रभु की जो बात सुन के ना, चैतन्य जो वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने जो उन्होंने भाषण दिया चैतन्य, और फिर उन्होंने सबसे बड़ी कृपा अब की, चैतन्य महाप्रभु को उनके ऊपर तरस आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य पे अच्छे व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई गलत व्यक्ति नहीं, लेकिन कृपा नहीं। तो उन्होंने क्या दिया? फिर कृपा दिया। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य। किस तरह से कृपा दिया, कोई हाथ उठा के बताओ। किसने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप दिखाया अपना। चैतन्य महाप्रभु जो है, जो दो हाथ है ना, हाथ ऐसे, उनके 6 हाथ बन गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने उन्होंने अपना षडभुज रूप का प्रदर्शन किया। षडभुज रूप का मतलब है राम जी भी है, हाथ में धनुष है और एक एक हाथ में क्या है, तीर है, और कृष्ण है एक हाथ में क्या है, बांसुरी है, और फिर चैतन्य महाप्रभु एक कमंडल है, एक डंडा है, 6 हाथ। इनको देखते ही ऐसे देखने लगे। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने, शादी करूं क्या मैं? करूं क्या? देखो लड़की मेरे लिए। तो बोला, आप शादी नहीं करो क्या? मुझे पता है आप तो भगवान है भाई, आपसे मैं शादी क्या कराऊं। तो इस तरह से वो एक संगठना है जो एक बहुत सुंदर है ना, कि ये लीला जो कितना सुंदर है। देखो सार्वभौम भट्टाचार्य फिर जब से भगवान के भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, उसके बाद कोई शंका नहीं है। तो इस तरह से बहुत अद्भुत लीला है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और चैतन्य चरितामृत जो पुस्तक है, कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करो। कितना हो गया टाइम? 8:30। कितना बजे स्टार्ट किया मैंने? 7:35 को। चलो 1 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं अभी 2 मिनट बात करने वाला हूं। चैतन्य चरितामृत क्या पुस्तक है? अगर किसी ने आपको एक शब्द में, अगर किसी ने पूछा चैतन्य चरितामृत के बारे में बताओ, एक शब्द में बताओ, तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि ये फिलॉसफी है। कितने पुस्तक लिखे गए पता है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर? कितने लिखे गए? एक तो चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, सबसे सर्वोत्तम पुस्तक है। इससे पहले भी कई कई लोगों ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में, जैसे कि चैतन्य भागवत किसने लिखा? फिर ठीक है, और चैतन्य मंगल किसने लिखा? और चैतन्य चंद्रामृत किसने लिखा? प्रबोधानंद सरस्वती। चैतन्य चरित्र किसने लिखा? मुरारी गुप्ता ने। अच्छा, आज केशवंत प्रभु ने भी पता नहीं कुछ और भी बुक्स बताए थे, मुझे भी पता नहीं, लेकिन इनमें जो सारे बुक्स है, लेकिन चैतन्य चरितामृत थोड़ा स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? फिलॉसफी। चैतन्य चरितामृत में आपको लीला नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा लीला। आपको लीला पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको चैतन्य भागवत पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि चैतन्य भागवत में बचपन की लीला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, फिर उन्होंने ऐसे लीला की, ऐसे लीला। आप चैतन्य चरितामृत में जाओगे तो आपको लीलाएं नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पे तत्व मिलेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको भगवत गीता समझना है, अगर आपको भागवतों को भी समझना है, तो आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा। बिना चैतन्य चरितामृत के आप भागवत के अंदर एंटर नहीं कर सकते। वो कैसे है मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो आपको अनुभव से पता चलेगा कि, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत जरूरी है।